लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शहादतगंज पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम दानिश, दिलशाद और शाहिब आलम बताया जा रहा है। आरोपियों की निशानदेही पर 16 बाइकें बरामद की गई हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों से ये लोग गाड़ियां चोरी करते थे, उसके बाद गाड़ियों के नंबर बदल कर उन्हें बेच देते थे। DCP वेस्ट एस चनप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा DCP वेस्ट ने की है। तो विभिन्न जगह से कुछ जगह इन्होंने बेची थी, कुछ जगह रखे थे, तो और भी पूछताछ चल रहे हैं, तो और भी कहां कहां रखे हैं और कहां कहां बेची है, इसका गहराई से पूछताछ करके और भी बरामद होने की संभावना है। हाँ, इनका काफ़ी लंबा क्रिमिनल इतिहास है। ये तीनों का अभियुक्त दानिश उर्फ मुन्ना का कुल 9 आपराधिक जो इतिहास है, इनका 9 केसेस है उनके खिलाफ। अभियुक्त दिलशाद के खिलाफ भी 9 केसेस पंजीकृत है पहले से, और अभियुक्त साहिब आलम इनके खिलाफ 12 मुकदमा है। ये अपना जो ताने के जो अपने जो मुखबिरों के तंत्र से और इनकी सुरागर से पता से जरिए ये टारगेट पहले रखे करते थे, कहीं सुनसान जगह मिल गया तो वहाँ से गाड़ी उठाते थे। तो इनका और भी मोडस ऑपरेंडी के बारे में गहराई से पूछताछ चल रही है। सर, गाड़ियों के अलावा कुछ और भी इनके पास से बरामद? अभी फिलहाल गाड़ियों का बरामद हुआ है। ऐसी सर सूचना आ रही है 17 गाड़ियां हैं, क्या और भी और गाड़ी बरामद हुई? हाँ, मैं बताया था, अभी गहराई से पूछताछ चल रहे हैं, और भी गाड़ी बरामद होने की संभावना है। और भी कई आरोपी थे जिनको कहा गया है कि वो लोग भी इनके मतलब साथ काम करते थे, क्या उनमें से किसी का जो है वो निकल के आया है कि कोई और भी? अभी जो भी पूछताछ में जिनका भी जो अपराधियों का इसमें जो लिंक आएगा उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी चोरी करके बेचते कहा थे, क्या वो लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे? हाँ, वो अगर वो इसमें शामिल है आपराधिक इसमें कृत्य में तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।